कराची के साहिल के करीब निजी तंजीमों की जानिब से 2000 के लगभग पौधे लगाए गए। इस मुहिम का मकसद छजरकारी में इजाफा है ताकि शहर को मुस्तकबिल में हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके। इस मुहिम को मुकम्मल करने के लिए तालिबे-इल्मों के साथ साथ हर उम्र के लोगों ने शिरकत की। रूट ऑफ द प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर कराची को सस्टेनेबल करने के लिए एटलीस्ट 25% जो है ना ग्रीनरी होनी चाहिए। किसी भी सिटी का इंटरनेशनल लॉ है। लोग बहुत सारे लोगों का ध्यान सिर्फ है ही नहीं, लोग फूड्स बांट रहे हैं, कपड़े बांट रहे हैं, पर क्या बेसिकली असल जो चीज है उसको तो कोई खत्म देख ही नहीं रहा। किसी को इस तरफ ध्यान ही नहीं था। हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि हम लोग प्लांटिंग करेंगे सिर्फ DHA या फिर क्लिफ्टन में नहीं, ईच एंड एवरी एरिया ऑफ कराची वी विल कवर। नेक्स्ट ईयर भी हीट उतनी ही होगी और बढ़ेगी, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए वी थॉट कि कुछ लॉन्ग टर्म प्लान किया जाए, और उसके लिए हमने ये सोचा कि जितनी ज्यादा ट्रीज होंगी उतना ज्यादा फैसिलिटेट होंगे कराची के लोग। तंजीमों के नुमाइंदों का कहना है कि सजरकारी की मुहिम को बतदरीज कराची भर में फैलाया जाएगा ताकि शहर को मौसमी तब्दीलियों के मनफी असरात से बचाया जा सके। उन्होंने इस अजम का इजहार भी किया कि शजरकारी में इजाफे से शहर की आबो हवा पर खुशगवार असरात मुरत्तब होंगे। दरख्त लगाना कौमी फरीदा ही नहीं मुल्क और कौम की खिदमत भी है, जिसे हर उम्र के लोग बाखूबी अंजाम दे सकते हैं। कैमरामैन दिशान इकबाल के साथ मोहम्मद अली, जियो न्यूज़ कराची।